अरे मनसुख है का? कौन? आप कौन है? हमें पतरे पान वाले। पतरे पान वाले? हाँ। नाम है पतरे। हाँ। और फूल के हरे कुप्पा। कुप्पा। तुम्हारी दुकान कहाँ है? शास्त्री चौराहे पे दुकान है भाई। शास्त्री चौराहे पे? हाँ। हमने तो कभी ना देखा, हम तो रोज जावे माँ। वो छोड़ो, तुम कौन हो? अबे मेरे से पूछ रहे हो मैं कौन हूँ? हाँ। अबे मेरे घर में खड़े होके हाँ। मेरे से ही पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? हाँ। अबे मुझे ही नहीं जाने तू? नहीं। अबे मैं हूँ धनदो चतुर्वेदी, इस घर को मालिक, ये हवेली मेरी, और तू बात कर रहे हो मुझसे? वैसे बेटा वैसे ही बाप। ये फुसफुस काय कर रहा है? ए फुसफुस, अरे अभी फुसफुस हो जाए तुम्हारे। ए तमीज से बात कर। तमीज से बता रहे चाचा, तमीज जमी सब पूछो तुम्हारे। पीछे 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 हट के बात कर। बताएं अभी, जा मनसुख को बुलाओ। क्या क्या काम है मनसुख से? उधारी है मनसुख पे। उधारी? हाँ। कितने पैसे हैं तुम्हारे? 18,000 रुपए हैं बाप पे। 18,000? अरे हंस। 18,000? हंस कैसे रहोगे हम पे? तेरी चड्डी 10 रुपए की चड्डी? जी कहाँ से उठा के लाया है? चोर बाजार से कहीं से? अब ये चप्पल तेरे पैर की, अबे 20 रुपए का तो तू कपड़ा पहनू है, 18,000 रुपए की तो तेरी दुकान तक ना होगी, और 18,000 की उधारी बता रहे हो? तुम्हारी औकात नहीं है, पूरा खानदान नहीं है 18,000 रुपए। खानदान में मत जाइयो, तमीज से बात करो। तमीज से? बड़ों से कैसे बात करे है तुझे मालूम ना है? बुला के ले। अरे अबे आगे मत बढ़ियो, पीछे नहीं हटे हैं, बताए मनसुख बुला के ले जाओ। दूर। मैं क्या कर रहा हूँ? हम बताया अभी तुम्हें। दूर हटो, दूर हट। मैं कह रहा हूँ ना, दूर हट, पीछे हट। हम कहाँ हैं? बताएं तभी से। कोई चुपकने की जरूरत नहीं है। चुपक रहे हैं हम। पीछे हट। अरे हाँ, बुलाते हैं मनसुख। पीछे नहीं हटे दिया। अरे छोरे ने मेरी चटकटी में मिला दी है। अरे मनसुख, अबे मनसुख का क्या मर गया बे? अरे मनसुख बुला के लाओ। ठहर जा। अबे बुलाते हैं। मैं तो ही देखता हूँ। ठहर जा। बुला के लाओ। ए मनुआ, ए मनसुख कहाँ मर गया बे? अरे क्या है डैड, आई एम बाथिंग। Why are you angry? अच्छा, तो तुम यहाँ नहा रहे हो, साफ सफाई चल रही है। अबे तुम कितने भी नहा ले हो, रहोगे तुम गंदे के गंदे ही। समझ में आया ना तेरे? अरे डॉक्टर, हम रावण नहीं है, राम है। दीपावली आ रही, दशहरा आ रही, राम की तरह चमकना है, डांस करना है, डावा के हीरो है। चमकेगा तू, जरूर चमकेगा। अबे बाहर देख, देख बाहर कौन आयो है, तेरे को बुला रहा है, बोल रहा है मन्नू को बुलाओ, मन्नू को बुलाओ। अबे कितनी बेइज्जती करा दी मेरी भी तूने, अबे कि तू मेरे को मरवा के रहेगा क्या? Who is this? ओके भैया, ये अंग्रेजी भूत। अरे तेरे से कब उतरेगा? देख वो कौन आए हो, बाको का नाम है पतरे, पतरे पानवारो। पतरे? Who is पतरे? अच्छा ये भी मैं बताऊंगा तो है। अरे तू बाहर आ रहे हो कि यहीं से मारू तू लगा के? ठहर जा, मैं अभी आ रहा हूँ, तू अंदर रहे, आ रहा हूँ मैं अभी, चल के आ रहा हूँ मैं। अरे अभी रुक, तो अभी लगाया हुआ है, फेस मास्क भागी है, ब्लीचिंग भी करनी है। आओ देखो, आओ बताते हैं, देखो ये देखो, आओ लाओ, आओ कौन है बताओ? हाँ पहचानो बेटा अभी हमें। पापा हमने ने कभी देखा भी नहीं, पहचानते भी नहीं ना, बिल्कुल नहीं। पहले बाप बेटे दूसरे तो पहचान ले। ऐसे काय बात कर रहे पापा हमारे? ए मनसुख भूल गए, हमें पैसा उधार लेके भाग गए हमसे, हैं? और कह रहे पहचान नहीं रहे पापा। हाँ हमने, हम सही बता रहे, हमने ने सपने में भी नहीं देखा सपना? पापा अभी हम देखा है सपना तुम्हें, मुंह में हनुमान जी की तरह कर, हनुमान जी की तरह करत रहा तुम। ए लला पहचान ले हमें, बोलो मुंह पे काय बोलते, काय नहीं हो, पहचान नहीं रहे हमें? अरे हम नहा भी तो रहे, कुछ दिखाई भी तो नहीं दे रहे। रुको भाई, टंकी करे करो भाई। पापा जे नीचे से हमें जे का जे, का कर रहे? हाँ अरे जे वे हैं पान सिंह तोमर, अरे नहीं अरे जे पतरे पान वाले, शास्त्री चौराहे बाबा मॉल के पास इनकी दुकान है। तो बाकी चड्डी से कामत वाले पहचानने को पहचान लो, यही चड्डी पहना था। अच्छा ठीक है, ये बताओ ये कह रहे हैं कुछ पैसे लिए इनसे तुमने? अठारह हजार रुपया के जे पान बीड़ी सिगरेट तम्बाकू पी के गया हम। 18,000 जो लिए तुमने? ये क्या कह रहे, हमने नहीं पापा, हमने नहीं लिया 18,000। तुम बार बार ठूसा देने लगे भाई, पहचान याद है तभी आया जब ठूसा उठाते हैं। हाँ बताओ, हाँ बताओ बेटा, ठूसा दिया अभी? अरे अरे ठहरो ना, बात कर रहे हैं ना अभी, बात कर रहे हैं ना अभी, कर रहे हैं। 16,700 रुपया इनके, 1,300 को हमने देखो पापा, इन्हें 5 सुपारी और गुलाब बाग और भागश्री और घनश्याम बीड़ी गोल्ड शिकार सबकी पुड़िया ने वापस कर दी 1,300 रुपया की हमने।
भाई तुम इतने भोले हो कि ये सारी नशे की चीजें तुमने खरीदी और 16,750 को उधार कियो, तभी तो आके ये यहाँ चिल्ला रहे हैं। ये सही बात है ना? लिए है ना पापा, मनसुख चतुर्वेदी है पापा, धनसुख चतुर्वेदी, इतनी बड़ी कोठी है। 18,000 रुपया हमारे, 18,000 को कर्जा है मैं ऊपर। अरे तो ये नशेबाजी करोगे क्या? नशेबाजी पापा दे ने पापा, दशहरा और दीपावली को टाइम है, हटाओ इन्हें। और सुनो, इन्हें 200-300 रुपए टिप और दियो। टिप देगा तुम? दे रहे पापा, हमारा बाथरूम में फेस वॉश तैयार है, हम जा रहे हैं, देख लियो तुम। और सुनो, इन तो हम सही बता रहे, तुम्हारी दुकान से तो आज के बाद कुछ लेंगे ही नहीं। ठहरो भाई, दे देंगे दे देंगे, तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, मान लिए ना। जाओ, हाँ जाओ। टीवी का रिमोट कहाँ है? रिमोट खराब हो गया। कहाँ गए थे छाता वाते लेके? इतना लेट क्यों हुआ? बाहर बारिश हो रही थी थोड़ी थोड़ी, वो शर्मा जी के यहाँ गया था, वो जो शास्त्री नगर में रहते हैं ना, उनकी बिटिया विदेश से पढ़ाई पूरी करके आ गई है। हमने मन्नू की शादी की बात पक्की कर दी। इतनी जल्दी क्या है शादी की? जल्दी? अरे तुमको पता है क्या क्या हरकतें करने लगा है वो? अरे गुटका खेनी न जाने क्या क्या खा रहा है वो। वो पनवाड़ी के यहां से 18,000 रुपए की उधारी कर दी। आज वो आके मोहल्ले में सबके सामने मेरी बेइज्जती करके गया। ये दशहरे का समय है और 18,000 रुपए का चूना लगा दिया इसने। अब तो ये शादी होके रहेगी। फिर भी एक बार पूछ लीजिए उससे, किसी और को चाहता हो तो। मतलब क्या कोई और लड़की है? है कोई पास में लड़की। अच्छा, यानी ये नाटक है रहे घर के अंदर और हमें कछु पता ही नहीं है? अरे भैया क्या करोगे तुम लोग? इस मन्नू का क्या होगा मेरी समझ में ना आ रहा है। एक काम करो, कल के कल बाछोरी को बुलाओ घर पे, मैं मिलना चाहूं उससे। बुलाओ उसको। ठीक है। इस मन्नू का तो और इस घर का भगवान ही मालिक है। सुनिए, वो ये मन्नू की दोस्त। ठीक है। नमस्ते अंकल। नमस्ते। क्या नाम है तुम्हारा? मुनिया। मुनिया? बस यही नाम है या और भी कछु है? स्कूल का नाम सपना है। ये स्कूल को नाम और घर को नाम तो बताई दियो, पूरा नाम क्या है? सपना बाजपेई। हाँ, सपना बाजपेई। जब कोई नाम पूछे ना तो पूरो नाम बतावे। हाँ। कहाँ से हो? लखनऊ से। लखनऊ से? और यहाँ कहाँ रहो? यहाँ फ्रेंड्स कॉलोनी में। कौन कौन है घर में? मम्मी है। और पिताजी? हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, समझ गए हम। क्या करती हो? पढ़ाते हैं वो विवेकानंद स्कूल में, आलमपुर हौज में। तो आगरा रोड पे जो है वहीं पढ़ाओ। क्या पढ़ाती हो? मैथ्स, गणित। गणित? गणित, गणित? जी। अच्छी बात, ठीक है। जो मन्नू को कब से जानो हो तुम? डेढ़ साल से। तो इन डेढ़ सालन में तो तुम अच्छी तरह समझ गई होगी कि जो मन्नू कैसो है, बाको स्वभाव, बाकी हरकतें सब जानो हो ना। पसंद है तुम्हें?
शादी करना चाहो क्या उससे, या यूं ही ये घूम फिर के अपनी जिंदगी गुजारने को इरादो है? शादी करना चाहो उससे तुम? पर ये तो आसान ना है जितने तुम समझ रही हो। चलो तुम्हारी शादी करवाए देंगे, लेकिन एक शर्त है हमारी। अब जो शर्त ये है कि अभी है दशहरा और 15 दिन बाद दिवाली आ रही है, ठीक है? इन 15 दिनों में अगर तुमने जमनुआ को सुधार दियो तो बस हम तुम्हारी शादी कराए देंगे, ठीक? मंजूर? और अगर तुम ये शर्त हार गई तो हम दिवाली के बाद बाकी शादी पक्की कर देंगे। हालांकि हम बात कर चुके हैं, हमारे शर्मा जी हैं, उनकी छोरी से रिश्ता हमने तय भी कर दिया है, ठीक है? ठीक है, चलो जाओ जाओ, अभी से लग जाओ, करो कोशिश, जाओ जाओ। अंकल ये पापड़ ऊपर छत पे सुखाओ, अच्छे से सूखेंगे। ठीक है। अच्छा, अरे सुनो, अंदर चाय नाश्ता करके जाओ, जाओ। इन 15 दिनों में अगर तुमने जमनुआ को सुधार दियो तो बस हम तुम्हारी शादी कराए देंगे, ठीक? मंजूर? और अगर तुम ये शर्त हार गए तो हम दिवाली के बाद बाकी शादी पक्की कर देंगे। राधे कृष्णा 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 कृष्णा, जय माधव बंसी वाले। राधे राधे कृष्णा, राधे कृष्णा 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 कृष्णा, हे माधव, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, बंसी वाले की जय हो। अगरबत्ती लगा दें। ये क्या है? प्रिय मनसुख, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। तुम्हारा माधव वृंदावन है। प्रिय मनसुख, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट होता है, तब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। तुम्हारा माधव वृंदावन से। माधव, प्रिय मनसुख, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती, जब बुद्धि व्यग्र होती तब व्यक्ति का पतन हो जाता। तुम्हारा माधव वृंदावन। माधव, प्रिय मनसुख, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। तुम्हारा माधव वृंदावन। माधव, ये क्या, ये चिट्ठी माधव ने भेजी मुझे? माधव, ये चिट्ठी आपने भेजी है माधव? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये आप नहीं भेज सकते ना? आपने भेजी पक्का है? कहाँ मालूम, मालूम बता, जे आप ही ने भेजी है,
तुम्हारा माधव वृंदावन, माधव लेकिन लेकिन इस चिट्ठी का मतलब क्या है? माधव क्रोध ब्रह्म बुद्धि व्यग्र, माधव जे कचु कचु समझ में नहीं आ रहा हूं मैं, बताओ आप ही बताओ, अब हम जीवम किससे पूछें, बताओ माधव, आप जरूर कचु में सिखाए वो चाह रहे माधव, जाकू जाकू मतलब हम पूछे किनसे? हाँ चल मुन्नी से पूछते हैं, मुन्नी से पूछते हैं, हाँ मुन्नी बताएगी। काय मुन्नी ऐसो हो सकत है? जे माधव ने हमें चिट्ठी लिखी है, भगवान चिट्ठी कैसे लिख सकते हैं? अब तुम माधव के भक्त तो हो हुँ? हाँ। भक्त तो है बट माधव चिट्ठी लिख रहे, चिट्ठी कैसे लिख सकते भगवान, भगवान चिट्ठी लिख रहे? हम तुमको बताएं, हमारे लखनऊ में ना हमारी मौसी रहती हैं, शकुंतला मौसी। एक बार उन पर बहुत ज्यादा विपदा आ गई। बस उनको किसी ने बताया कि 16 शुक्रवार का व्रत रखो। उन्होंने 16 की जगह 32 शुक्रवार का व्रत रखा। उसके बाद पता है क्या हुआ? संतोषी माता साक्षात हर शुक्रवार को उनको दर्शन देती हैं। तो काना मैं उन चिट्ठी लिख सकते हैं? हाँ अब समझ में आई, काना कचू समझाए वो चाह रहे। और जो वृंदावन है कितनी दूरी टावा से? बस यहाँ से 200 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आ रही, जे जे चिट्ठी भेजी है काना ने, देखो जे लिखो है ना, जे हमारी समझ में नहीं आते। देखो क्रोध से भ्रम पैदा होता है, हैं? भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट होता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जे हमें बात क्रोध भ्रम बुद्धि तर्क पतन ये कुछ ही समझ में नहीं आ रही हमारी। सोचो सोचो, गुस्सा तो आता ही हमें बहुत, क्रोध तो हम कितो दिखाते, देखो हम पापा को कितनी भली बुरी कह देते, डांट देते, लड़त रहते, जी अच्छे लगते का बेचारे सुनते रहते। काना हमें, काना हमसे पश्चाताप करवाना चाह रही है। काना हम पापा से कल ही सॉरी बोले, कल का है हम आज ही जाके सॉरी बोले पापा से। काना हाँ हेलो रामप्रसाद, अरे ये क्या भाई गड़बड़ी, अभी हमने हिसाब किताब चेक किया, ये अग्रवाल साहब क्या जो पूजा कराई थी ना, अरे बाह में 600 रुपए की गड़बड़ दिख रही है। हाँ अरे सभी सामग्री हमने मंगाई, प्रसाद हमने मंगाए, घी हमने मंगवाए, हवन कुंड में जो डाला है घी, अरे उसमें सभी सामग्री हम ही लोगों ने तो दी थी ना। अरे ये क्या है, उन्हें 1200 रुपए दिए, अभी 600 रुपए और चाहिए। हाँ जाके लेके आओ फटाफट, हाँ 600 रुपए लेके कल आए जाओ। पापा पापा क्या कर रहे पापा, देखो हम कितनी मेहनत से काढ़ा बनाए के लाए, अरे का जी भाई खाता खोल के बैठे, जो पियो पियो का है ये? अरे गरम है गरम, पियो 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 पियो, पकड़ो 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 पकड़ो, पियो पियो पियो, पी के मैं बताओ कैसा है ये, हम आप पे चीख रहे, आप हम पे चीख रहे, जो कहूँ अच्छा लगा था, पियो बढ़िया लग रही। पापा क्रोध करवे से कोई मतलब नहीं है,
क्रोध से ना भ्रम पैदा होते हैं, और जब भ्रम पैदा हो जात तब बुद्धि एकदम व्यग्र हो जात, और जैसी बुद्धि व्यग्र भाई वैसी तर्क नष्ट हो जात, तब बिल्कुल समझ में नहीं आत का करे का ना करे, और तर्क नष्ट होएगो बाके बाद कछु नहीं बचत पापा, कछु नहीं बचत, जो एक ही रास्ता बचत है वो जाते पतन की तरफ है, विनाश की तरफ जाते पापा। पापा हमें माफ कर दे, हम सही बता रहे, भाई आंखन से आंसू ही नहीं निकल रहे, पापा हमें माफ कर दे। ये दुनिया कहाँ कहाँ जातेगी हैं, तीर्थन पे घूमन जातेगी, अरे पागल है सब लोग, मम्मी पापा के चरण में ही तो स्वर्ग होते हैं। पापा 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 कर दिया माफ कर, पापा बहुत दुखी हैंगे, हम जोन दिन सुपरस्टार बन जाए पापा, बाद में सबसे कहे जय देखो, अरे जय देखो, जय धनसुख चतुर्वेदी हमारे पापा, पापा यू विल फील प्राउड पापा, धनसुख चतुर्वेदी छोटा आदमी नहीं है पापा, रोने नहीं है बेटा, भाई आंखें नहीं भाई आत्मा रो रही, तू सब बात करिए ना, जाके अपनी मम्मी को बता दे, जा जा बेटा जा जा, हां मम्मी मम्मी हमारे। अरे ये तो मुनिया ने इसे कुछ ज्यादा ही सुधार दिया है, चलो ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ।